मैंने एक दो आदमी को भगता देखा था, यहाँ से? ऊपर से देखा था मैंने दो आदमी को भगता। अच्छा, तो फिर आपने कुछ उस समय हल्ला वगैरह मचाया था? फिर मैं नीचे आके गाड़ी को देखा, गाड़ी को देखते ही मैंने मोटर चला के इसको बजाने की कोशिश की, अच्छा, बज नहीं पाई। फिर उसके बाद आग नहीं बुझी? फिर उसके बाद आज वो आग नहीं बुझी। फिर उसके बाद उस आदमी को मैंने यहाँ से देखा था। अच्छा, कुछ आपको अंदाजा है किस प्रकार के? अंदाजा है मेरे को, अच्छा, अभी शक भी होगा आपको किसी शक पे? भी था पहले ठीक से। है, यहाँ तो आपको बताने की जरूरत नहीं, पुलिस में आप बता हाँ, सकते हैं, पुलिस से ठीक है ना? बताऊंगा। हाँ, और उसके बाद में फिर जैसे दमकल वगैरह को बुलाया गया, क्या किया गया? फिर सर मैंने बुझाई आग, तो आग बुझ नहीं पाई। फिर मैंने ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश भी की थी। अच्छा, गाड़ियों को? हाँ, फिर अच्छा, एक हैंड ब्रेक ठंडा था ना, खींच नहीं पाया। फिर थाने पे गया था मैं, अच्छा, थाने गाड़ी आई थी, फिर वहाँ से बुझाने वाली मशीन आना जब माधोपुर से, फिर वहाँ से आई थी। दमकल विभाग जो है, हाँ, तो दमकल। कितनी देर दमकल विभाग को मतलब आग बुझाने में लगी? खैर, माधोपुर से आने में जो समय लगे हो तो लगे ऐसे ही, यहाँ कम से गाड़ी कम मतलब जहां पर आई उसके बाद में कितना उन्हें समय लगा? क्योंकि आप बता रहे हैं जिस प्रकार से, और जो जैसी हम स्थिति देख पा रहे हैं लाइव के दौरान, काफी मतलब तेज हुई होगी उस समय आग, तो कितना समय उन्हें लगा बुझाने में? उसमें बुझाने में 30-40 मिनट लगी थी। 30 से 40 बाद में मिनट आई थी ना, जो जड़ गई थी पूरी अच्छा, बाद में। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगभग 30 से 40 मिनट लगे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आग काफी भयावह रूप ले चुकी थी। और जैसा कि ये बता रहे हैं, आग लगने के दौरान मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जो ये मकान दीवारें हैं पान इनमें, पूरा मकान में दरारें भी आपको नजर आ रही हैं। इस समय ये जो आप देख पा रहे हैं सामने दरार, वो ऐसा कह रहे हैं ये कि ये पहले नहीं थी, ये बाद में दरारें लगी हैं, ये जी। है ना, हाँ, बाद में, अभी मतलब बाद में। इस इसी के दौरान हुई हाँ, है। बाद में तो फिर। ये दो गाड़ियां हैं, एक तो स्कॉर्पियो बता रहे हैं आप, हाँ जी, मंदराज अभी कहाँ पर है? वो जयपुर था, जयपुर से आ रहा है, जयपुर मकान है ना, मंदराज को सूचना दे दी गई है? दे गई चलिए, पुलिस में रिपोर्ट हो गई है आपकी, रिपोर्ट हो गई है। ठीक है, आपके और भाई बंधु वगैरह गए हुए हैं शायद हाँ, वहाँ पर? गए। टायर फटने से फिर फट आए, तो अच्छा, ये टायर फटे हैं उसके टायर बाद टंगी बैटरी फटने से फिर फट आए, तो तो आवाज हुई होगी जोर से, आवाज खतरनाक हुई थी। बहुत जोर से, हाँ, बहुत जोर से। दिखा दिया वो तो मैंने, हेलो। तो जैसा कि आपने देखा ये स्थिति है, और मैं आपको गाड़ियों की थोड़ी सी क्लोज लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए आप, थार गाड़ी है ये, और ये स्थिति हो चुकी है इसकी जलने के बाद, ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से हर प्रकार से, पहिए वगैरह की बात करें, अगर किसी भी आगे से बात करें, हर जगह से पूरी तरह से ये गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके भाई बहन बता रहे हैं कि प्री प्लानिंग के तहत भी ये कह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, तो हो सकता है ये जांच का विषय है की स्थिति। अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से स्कॉर्पियो इस वक्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हर जगह से आप देख सकते हैं पीछे से, और ये भी आप देख सकते हैं। जी सतपाल जी, ये ऐसा पता नहीं है कि कैसे हो गया, लेकिन अभी ये जांच का विषय है, और ये एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ ये कहें कि ट्रैक्टर भी यहीं था, लेकिन ये ट्रैक्टर में तो कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये पूरी स्थिति है, ये मकान था, यहाँ से इन्होंने उस समय जो आग लगी उसको यहाँ पर देखा था। काफ़ी भीड़ भी इस वक्त जमा है यहाँ पर। तो इसके अलावा अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से नुकसान हुआ है, तो मतलब ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह का कुछ मामला था क्या आपस में किसी से, कुछ ऐसे? लड़ाई पहले पहले धमकी मिल चुकी है ना। अच्छा, मिल चुकी है, चलिए। खैर, वो तो यहाँ पर हम नहीं पूछना चाहेंगे, नाम यहाँ पर तो नहीं डालना चाहेंगे, वो तो पुलिस की जांच का विषय है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं इस चीज़ की, वो खैर अलग मामला है, वो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन अभी जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, दोनों, एक तो थार है और एक स्कॉर्पियो है, पूरी तरह से ये आग के हवाले कर दी गई, और पूरी तरह से गाड़ियाँ जल चुकी हैं। नहीं, किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकते, वो अलग बात। तो ये मैंने आपको क्लोज लुक भी दिखा दिया दोनों ही गाड़ियों का, और पूरा ये बिल्डिंग का आप हालत देख सकते हैं कितना काला यहाँ पर हो चुका है। और एक गनीमत की बात कह सकते हैं कि ये उस समय जो है आरसीसी कर रखी है ना ऊपर, तो शायद ये, हाँ, तो ये आरसीसी थी, तो शायद टूटी नहीं, पट्टियाँ होती तो शायद ये चांसेस रहते हैं। तराड़ तो खैर आनी ही, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति में हम देख पा रहे हैं, वो तो आग बहुत ही ज़्यादा उस समय रात में पावरफुल रही होगी। आप ये बता रहे हैं कि हमने मोटर से बुझाने की कोशिश की तो बुझी भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उस समय रही होगी आग ये।
तो ये थे जगराम जी, है ना, ये मनराज दीवाना के छोटे भाई हैं, है ना जगराम, गुजर इनसे हमने बातचीत भी की और इन्होंने जानकारी दी। चलिए देखते हैं, इसके बाद में कुछ भी अपडेट होगी तो आपको देने की कोशिश करेंगे। दुर्घटना सामने आई है और उसी को मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने दो गाड़ियाँ हैं, दोनों ही गाड़ियों को रात में अज्ञात शख्स के द्वारा या अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगा दी गई है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये एक थार गाड़ी है जो पूरी तरह से, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको बाहर से एक बार लोकेशन दिखा देता हूं किस तरह की है। दो ये गाड़ियां इस जगह खड़ी हुई थी, ये मनराज दीवाना, आप जानते होंगे लोक गायक मनराज दीवाना काफ़ी हिट है आसपास के एरिया में, काफ़ी हिट है। ये उसका मकान है रजवाना गाँव के अंदर और ये उनका मकान है इधर, और यहाँ पर एक जगह पर, यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, दोनों जगह पर, एक जगह पर स्कॉर्पियो और एक जगह पर सामने जो आप देख पा रहे हैं थार गाड़ी खड़ी हुई थी। और ये ट्रैक्टर तो शायद बाद में आया ना, आज यहीं खड़ा था ये। एक ट्रैक्टर भी था और सामने दरवाज़ा है, मैं उधर रास्ता भी है। मैं रात को लगभग 12:30 बजे जो इनका भाई है, क्या नाम है भाई का, जगराम जी यहाँ पर थे। तो जगराम जी ने 12:30 बजे थोड़ा सा ऐसे आग वगैरह देखी, तो उस समय बाहर आकर देखा जब इन्होंने, तो इनको पता लगा कि ये पूरा एरिया जो है आग के हवाले किया हुआ था। अभी तक कुछ ऐसा पता लगा नहीं है कि किसने क्या किया है, पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। जगराम से बात करते हैं। जगराम, कितने बजे ये जो है घटना हुई थी? 12:30 बजे हुई थी सर। 12:30 बजे। तो उसके बाद क्या देखा था आपने? नमस्कार, सीकेबी न्यूज़ की तरफ से, और अभी मैं लोक गायक मनराज दीवाना के घर पर मौजूद हूं। और यहां पर बीती रात एक बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना सामने आई है और उसी को मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए इस वक्त मौजूद हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर सामने दो गाड़ियां हैं, दोनों ही गाड़ियों को रात में अज्ञात शख्स के द्वारा या अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगा दी गई है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये एक थार गाड़ी है जो पूरी तरह से, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको बाहर से एक बार लोकेशन दिखा देता हूं किस तरह की है। दो ये गाड़ियां इस जगह खड़ी हुई थी, ये मनराज दीवाना, आप जानते होंगे लोक गायक मनराज दीवाना काफ़ी हिट है आसपास के एरिया में, काफ़ी हिट है। ये उसका मकान है रजवाना गाँव के अंदर और ये उनका मकान है इधर, और यहाँ पर एक जगह पर, यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, दोनों जगह पर, एक जगह पर स्कॉर्पियो और एक जगह पर सामने जो आप देख पा रहे हैं थार गाड़ी खड़ी हुई थी। और ये ट्रैक्टर तो शायद बाद में आया ना, आज यहीं खड़ा था ये। एक ट्रैक्टर भी था और सामने दरवाज़ा है, मैं उधर रास्ता भी है। मैं रात को लगभग 12:30 बजे जो इनका भाई है, क्या नाम है भाई का, जगराम जी यहाँ पर थे। तो जगराम जी ने 12:30 बजे थोड़ा सा ऐसे आग वगैरह देखी, तो उस समय बाहर आकर देखा जब इन्होंने, तो इनको पता लगा कि ये पूरा एरिया जो है आग के हवाले किया हुआ था। अभी तक कुछ ऐसा पता लगा नहीं है कि किसने क्या किया है, पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। जगराम से बात करते हैं। जगराम, कितने बजे ये जो है घटना हुई थी? 12:30 बजे हुई थी सर। 12:30 बजे। तो उसके बाद क्या देखा था आपने? मतलब मैंने एक दो आदमी को भगता देखा था, ऊपर से देखा था मैंने दो आदमी को भगता। अच्छा, तो फिर आपने कुछ उस समय हल्ला वगैरह? फिर मैं नीचे आके गाड़ी को देखा, गाड़ी को देखते ही मैंने मोटर चला के इसको बजाने की कोशिश की, बुझ नहीं पाई। फिर उसके बाद आग नहीं बुझी। फिर उसके बाद उस आदमी को मैंने यहाँ से देखा था। अच्छा, कुछ आपको अंदाजा है किस प्रकार का अंदाजा है मेरे को? अच्छा, अभी शक भी होगा आपको किसी? शक भी था पहले, ठीक है, यहाँ तो आपको बताने की जरूरत नहीं, पुलिस में आप बता सकते हैं। पुलिस से बताऊं, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद में फिर जैसे दमकल वगैरह को बुलाया गया, क्या किया गया? फिर सर मैंने बुझाई आग, तो आग बुझ नहीं पाई। फिर मैंने ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश भी की थी। अच्छा, गाड़ियों को? फिर एक हैंड ब्रेक ठंडा था ना, खींच नहीं पाया। फिर थाने पे गया था मैं। अच्छा, थाने गाड़ी आई थी,
फिर वहाँ से बुझाने वाली मशीन आना जब माधोपुर से फिर वहाँ से आई थी दमकल विभाग जो है। तो कितनी देर दमकल विभाग को मतलब आग बुझाने में लगी? खैर माधोपुर से आने में जो समय लगे तो लगे ऐसी कम से कम गाड़ी मतलब जहाँ पर आई उसके बाद में कितना उन्हें समय लगा? क्योंकि आप बता रहे हैं जिस प्रकार से और जो जैसी हम स्थिति देख पा रहे हैं लाइव के दौरान काफी मतलब तेज हुई होगी उस समय आग, तो कितना समय उन्हें लगा बुझाने में? उसमें बुझाने में 30-40 मिनट लगी थी। 30 से 40 बाद में आई थी ना जो जड़ गई थी पूरी। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगभग 30 से 40 मिनट लगे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आग काफी भयावह रूप ले चुकी थी। और जैसा कि ये बता रहे हैं आग लगने के दौरान, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जो ये दीवारें हैं इनमें मकान में दरारें भी आपको नजर आ रही हैं। इस समय ये जो आप देख पा रहे हैं सामने दरार, वो ऐसा कह रहे हैं ये कि ये पहले नहीं थी, ये बाद में दरारें लगी हैं, ये है ना, बाद में अभी मतलब इसी के दौरान हुई है। तो ये दो गाड़ियां हैं, एक तो स्कॉर्पियो बता रहे हैं आप। मंदराज अभी कहाँ पर है? वो जयपुर था, जयपुर से आ रहा है, जयपुर मकान है ना। मंदराज को सूचना दे दी गई है? दे दी गई है। चलिए, पुलिस में रिपोर्ट हो गई है आपकी? रिपोर्ट हो गई है। ठीक है, आपके और भाई बंधु वगैरह गए हुए हैं शायद? हाँ, गए। टायर फटने से फिर फटाए तो? अच्छा, ये टायर टायर टंकी बैटरी फटने से फिर फटाए तो आवाज हुई होगी जोर से? आवाज खतरनाक हुई थी, बहुत जोर से। हाँ, बहुत जोर से। तो जैसा कि आपने देखा ये स्थिति है, और मैं आपको गाड़ियों की थोड़ी सी क्लोज लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए आप, थार गाड़ी है ये, और ये स्थिति हो चुकी है इसकी जलने के बाद। ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से, हर प्रकार से, पहिए वगैरह की बात करें, अगर किसी भी आगे से बात करें, हर जगह से पूरी तरह से ये गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके भाई बहन बताया कि प्री प्लानिंग के तहत भी ये कह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, तो हो सकता है ये जांच का विषय है। पेट्रोल की स्थिति अभी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से स्कॉर्पियो इस वक्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हर जगह से आप देख सकते हैं पीछे से, और ये भी आप देख सकते हैं। जी सतपाल जी, ये ऐसा पता नहीं है कि कैसे हो गया, लेकिन अभी ये जांच का विषय है, और ये एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ ये कहें कि ट्रैक्टर भी यहीं था, लेकिन ये ट्रैक्टर में तो कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये पूरी स्थिति है, ये मकान था, यहाँ से इन्होंने उस समय जो आग लगी उसको यहाँ पर देखा था। काफ़ी भीड़ भी इस वक्त जमा है यहाँ पर। तो इसके अलावा अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से नुकसान हुआ है, तो मतलब ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह का कुछ मामला था क्या आपस में किसी से? कुछ ऐसा पहले धमकी मिल चुकी है ना? अच्छा, मिल चुकी है। चलिए, खैर वो तो यहाँ पर हम नहीं पूछना चाहेंगे, नाम यहाँ पर तो नहीं डालना चाहेंगे, वो तो पुलिस की जाँच का विषय है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं इस चीज़ की, वो खैर अलग मामला है, वो पुलिस की जाँच का विषय है। लेकिन अभी जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। दोनों, एक तो थार है और एक स्कॉर्पियो है, पूरी तरह से ये आग के हवाले कर दी गई और पूरी तरह से गाड़ियाँ जल चुकी हैं। नहीं, किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकते, वो अलग बात। तो ये मैंने आपको क्लोज लुक भी दिखा दिया दोनों ही गाड़ियों का, और पूरा ये बिल्डिंग का आप हालत देख सकते हैं कितना काला यहाँ पर हो चुका है। और एक गनीमत की बात कह सकते हैं कि ये उस समय जो है आरसीसी का रखी है ना ऊपर, तो शायद ये, हाँ, तो ये आरसीसी थी, तो शायद टूटी नहीं, पट्टियाँ होती तो शायद ये चांसेस रहते। तरार तो खैर आनी ही, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति में हम देख पा रहे हैं वो तो आग बहुत ही ज़्यादा उस समय रात में पावरफुल रही होगी। आप ये बता रहे हैं कि हमने मोटर से बुझाने की कोशिश की तो बुझी भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उस समय रही होगी आग ये। तो ये थे जगराम जी, है ना, ये मनराज दीवाने के छोटे भाई हैं, है ना जगराम, गुजर इनसे हमने बातचीत भी की और इन्होंने जानकारी दी। चलिए देखते हैं, इसके बाद में कुछ भी अपडेट होगी तो आपको देने की कोशिश करेंगे।